दोस्तों ये है जेब्रोनिस का जेब ज्यूपर 9400 प्रो डॉल्बी डिजिटल 5.1 चैनल साउंड बार, जिसका पावर आउटपुट है 525 वॉट। रियली यार मैं बताऊं देखो कि 5.1 सिस्टम से मेरा अच्छा लगाव है और मुझे बहुत खुशी होती है उनको रिव्यू करने में, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है, कई मल्टीपल वीडियोस में बोला है, अगर आपको सराउंड साउंड इफेक्ट चाहिए तो कोई ऐसा सिस्टम जो डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता हो और वो रियल 5.1 चैनल हो, मतलब इसमें दो ये आपके बच्चे छोटे छोटे सराउंड स्पीकर्स दिए गए हों जो आपको पीछे प्लेस करने होते हैं, तो उस सिस्टम से बढ़िया दोस्तों कुछ नहीं हो सकता अगर आपको सराउंड एक्सपीरियंस करना है। तो बजट की बात कर रहा हूँ मैं, आपका बजट हाई है तो आप ऑफकोर्स आप 1.5-2 लाख रुपये खर्च करके एक प्रॉपर होम थिएटर सिस्टम सेटअप कर सकते हैं जहाँ आप डॉल्बी एटमोस का मजा ले सकते हैं। तो ये सिस्टम दोस्तों डॉल्बी डिजिटल को भी सपोर्ट करता है और 5.1 भी है, ठीक है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप 90% ऑफ द टाइम म्यूजिक सुनते हैं तो कृपया करके दोस्तों इस सिस्टम को ना लें। देखिए म्यूजिक में 5.1 का सराउंड साउंड का कोई काम नहीं है, आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है कि पीछे से आवाज़ आएगी बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे से वोकल्स आ रहे हैं, पीछे से इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही है, नहीं दोस्तों म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग इस तरीके से नहीं होती है। तो म्यूज़िक के लिए दोस्तों स्टीरियो से बढ़िया कोई नहीं है, 2.1 चैनल आप ले सकते हैं, या आपको ज़्यादा रूम में कवरेज चाहिए तो 4.1 एनएफ होगा म्यूज़िक के लिए। लेकिन आप 90% टाइम ऑफ द मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, अमेज़न प्राइम, और केवल 10% 20% टाइम्स आप म्यूज़िक सुनते हैं, तो ये सिस्टम दोस्तों आपके लिए कैसा रहेगा इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए होंगे और आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा कि इनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, तो मैं स्पेसिफिकेशंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता हुआ चलूँगा, बाकी आप उनको यूट्यूब या फिर इसकी साइट पर जाके अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जाकर सर्च कर सकते हैं। मेन मुद्दा है दोस्तों साउंड का, जो कभी भी स्पेसिफिकेशंस देख के आप नहीं बता सकते। तो दोस्तों सबसे पहले छोटा सा एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट आता हूँ कि इसकी साउंड परफॉर्मेंस कैसी है और आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों और ज़्यादा साउंड सैंपल सुनने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और डिटेल में किसी भी सिस्टम या दो सिस्टम या तीन सिस्टम के बीच आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ठीक दोस्तों सबसे पहले म्यूज़िक परस्पेक्टिव से बात करते हैं, अगर आप इसमें म्यूज़िक सुनते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों म्यूज़िक सुनते हो इन दोनों स्पीकर्स की वॉल्यूम को ख़त्म कर दो बिल्कुल जितनी हो सके, इसमें ऑप्शन है कि आप सराउंड चैनल की वॉल्यूम को बिल्कुल डाउन कर सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक में सराउंड चैनल्स का काम नहीं है, वो आपका एक्सपीरियंस ख़राब करेगा। म्यूज़िक के अंदर दोस्तों आप इसमें हर तरह के लगभग हर जॉनर के म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हो, सिर्फ एक को छोड़कर जहां वोकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि अकोस्टिक्स, जो अकोस्टिक्स होते हैं दोस्तों उस टाइप के जो अकोस्टिक सॉन्ग्स होते हैं वहाँ वोकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वोकल फोकस्ड हो, वोकल ओरिएंटेड हो, वोकल से बहुत ज़्यादा प्यार है, या आपको ऑडियो फाइल लेवल की वोकल्स चाहिए दोस्तों वो आपको इस स्पीकर में नहीं मिलेंगे, इसमें क्यों क्या इस तरह के सिस्टम्स में आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए अच्छा है कि आप बुक सेल्फ स्पीकर की तरफ जाएं। बुक सेल्फ स्पीकर का क्या कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और खुद परचेज करके उनको एक्सपीरियंस करके मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों उस तरह के वोकल्स नहीं है। लेकिन दोस्तों वोकल्स बहुत अच्छे हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से, थोड़े से जानदार हो सकते थे लेकिन नहीं है तो क्या करें, लेकिन वोकल्स फिर भी दोस्तों ठीक हैं। वोकल्स को मुझे अगर मार्क्स देने हों तो 3.9 out of 5 वोकल से मुझे खास कोई शिकायत नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों बेस की, गानों में दोस्तों बेस को आप बहुत बखूबी इंजॉय करने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
बीट्स जो है ना इसकी बीट्स काफ़ी पंची हैं और अपर बेस काफ़ी कंट्रोल्ड है एंड बेस में अच्छी खासी टाइटनेस भी है। देखिए बेस में हम दो चीज़ों को ज़्यादातर इन्जॉय करते हैं, एक तो बीट्स, एक डीप वाइब्रेशंस जो होती हैं, ग्राउंड शेकिंग वाइब्रेशंस जो इनको हम बोलते हैं। तो दोस्तों डीप बीट्स हैं वो मतलब 5 out of 5 दोस्तों बीट्स में कोई मतलब इसका कोई कमी नहीं है। बीट्स में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करता है बीट्स को, एक एक बीट्स जो आपको दोस्तों फील होगी, जो सुनाई देगी, जो आपको चेस्ट पे लगेगी वो मतलब अच्छी है। डीप वाइब्रेशंस में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, इसको गलती से भी ऐसा मत सोच लेना जिस तरीके से लॉजिटेक Z623 906 इस तरह के सिस्टम जो काफ़ी डीप वाइब्रेशन, थ्रिलिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह की वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक है। तो बेस में दोस्तों मैं ओवरऑल इसको मार्क्स देना चाहूँगा 4 out of 5। अब देखिए इसका एक रीज़न और है कि ये उन सिस्टम में से नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो 10-15% वॉल्यूम पर बेस देना स्टार्ट कर देता है। इसका इससे अगर आपको बेस का मज़ा लेना है तो आपको कम से कम 40% वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा। और यही दोस्तों इसका ड्रॉबैक है कि नाइट टाइम लिसनिंग कर रहे हो आप, रात को सुन रहे हो और 40% वॉल्यूम तक तो नहीं ले जा सकते, तो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक है। बाकी दोस्तों बेस में कोई दिक्कत नहीं है। लाउडनेस की मैं बात करूँ, 250 square feet तक का रूम, 250 से 200 से 300 तक का भी रूम जो है अच्छी तरीके से साउंड को ये फिल कर देता है और छोटी मोटी होम पार्टीज में आप यूज़ कर सकते हो। और लाउडनेस में दोस्तों देखो ऐसा है कि फुल वॉल्यूम पे जाने के बाद थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन मिलेगा आपको, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी आवाज़ कर दो डिस्टॉर्शन नहीं है। खास करके जो बेस है दोस्तों वो 80% वॉल्यूम तक ठीक रहता है, उसके आगे दोस्तों बेस मतलब फटता नहीं है लेकिन वो इंक्रीज़ भी नहीं होता है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है अपना, जो उसकी पीक परफॉर्मेंस है बोल सकते हैं 80%। और ये डिपेंड भी करता है आप किस ऑडियो सोर्स से इस सिस्टम को प्ले कर रहे हो। म्यूजिक में दोस्तों ये बोलूँगा कि कोई कमी नहीं है, मैंने इसमें हर तरह की म्यूज़िक इन्जॉय की है एंड म्यूज़िक में दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी है। इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी इसमें अच्छे तरीके से सुनाई दे रहे थे प्रॉपर, लेकिन इसमें ट्यूटर नहीं है। एक्स्ट्रा हाइज जो आपको होती है, हाई एंड हाइज, वो आपको इसमें नहीं मिलेंगी, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी तबला, ढोलक, पियानो, वायलिन ये सब इंस्ट्रूमेंट इसमें ठीक ठाक लग रहे थे। मैं दोस्तों सीधा जाता हूँ टीवी से कनेक्ट करने पर ये क्या कमाल करता है। देखिए सारे ऑप्शन हैं, कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं इसमें, आप ब्लूटूथ से इसको AUX से कनेक्ट कर सकते हो, HDMI ऑप्टिकल से भी कनेक्ट कर सकते हो, HDMI ARC से आपको अपने LED से कनेक्ट करना है और आपका जो LED में HDMI ARC होना चाहिए तभी आप इस सिस्टम को लें, ये भी एक कंडीशन है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जब भी आप Dolby Digital 5.1 कंटेंट प्ले करोगे तब कमाल दिखाएंगे दोनों अपने सराउंड स्पीकर्स, इनकी दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप देखिए TV के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, आप केवल ब्लूटूथ के साथ इसको प्ले कर रहे हो, तब क्यों खामखा के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें Dolby Digital का मतलब है दोस्तों कि जो Dolby कंपनी है, जो ब्रांड है, उससे लाइसेंसिंग की काफ़ी हैवी फीस होती है जो ये ब्रांड्स देती हैं। Chevronic से मान लो उसको हैवी पैसे दिए होंगे और वो पैसे कस्टमर से लेते हैं। दूसरी चीज़ सराउंड स्पीकर्स के पैसे आप खामखा दे रहे हो तो इतने क्यों देने। LED से दोस्तों इसलिए कनेक्ट करना ज़रूरी है। और जब आप फिर उसमें जब मूवीज़ वगैरह इन्जॉय करोगे दोस्तों, खासकर एक्शन मूवीज़, दोस्तों एक्शन मूवीज़ में जो सराउंड एक्सपीरियंस मिलता है ना वो लाजवाब होता है, ठीक है। ऊपर से जो गोलियों की आवाज़ है, जो मतलब एक बेस वाला जो पार्ट होता है फिर सब ऊपर उसमें 4 चांद लगा देता है, अल्टीमेट मतलब एक मिनी होम थिएटर बोल सकते हैं दोस्तों इसको, प्रॉपर होम थिएटर तो नहीं, मिनी होम थिएटर बोल सकते हैं इसको। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ आपको मज़ा आ जाएगा और यहाँ मतलब मुझे नहीं लगता कोई कमी है इसमें। हाँ ये इसमें वायर्ड है, वायर की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी खासी है, आपका रूम कितना भी बड़ा हो आप आराम से ले जा सकते हैं, वायर की लेंथ में मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कोई आपको दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों डायलॉग डिलीवरी की, देखिए जैसे मैंने वोकल्स को बताया, वोकल्स में मैंने इसको मार्क्स दिए 3.9 out of 5, यानी कि वोकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन दोस्तों काफ़ी हैं, थोड़ी सी जान होती और वोकल्स में मतलब तो अच्छा होता, लेकिन दोस्तों वोकल्स काफ़ी मतलब अच्छे खुलकर आते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वोकल्स में मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों मतलब अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो या सीरियल्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, किसी भी डायलॉग डिलीवरी हो, लेक्चर्स हो, वहाँ आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों मैं फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। म्यूज़िक अगर आप सुनते हो ज़्यादातर तो इस सिस्टम को मत लीजिए। LED के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम देख रहे हो और सराउंड एक्सपीरियंस चाहते हो तो दोस्तों सिस्टम को लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बहुत ज़्यादा हैवी बेस, मतलब हैवी का मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब जो बोलते हैं ना लोग कि घर हिलाने वाला बेस, वैसा बेस नहीं है, बट गारंटी आपका कमरा जरूर हिला देगा, कोई कमरे की जितनी भी चीज़ें आपको हिलती हुई नज़र आ जाएंगी, इतना अच्छा खासा बेस है इसमें, ठीक है। वोकल्स ओरिएंटेड म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, ठीक है, वोकल्स ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए तो भी दोस्तों इसको मत लीजिए।
लेकिन आप देख रहे हो आपका बजट है 12 से 15 हज़ार के बीच, 12 से 15 इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी 15 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको सेल में, 12 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएगा, मैंने सेल में परचेज़ किया था तो 12 हज़ार से कम का पड़ा मेरे को। तो आप भी कोशिश कीजिए सेल में ले सको इसको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सेल आ जाएगी तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और इसकी जो बेस्ट बाय लिंक के नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप बजट में कोई भी सिस्टम देख रहे हो 5.1 चैनल और डॉल्बी डिजिटल कंटेंट के आप शौकीन हो तो बिल्कुल आप इस सिस्टम को ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखिए ऑप्शंस मार्केट में काफ़ी कम है, एक बोट का है शायद 1300 डी नाम है उसका, और एक सोनी का S20R है, तो उन दोनों को भी जल्दी देखेंगे। लेकिन ये दोस्तों अपनी जगह मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा और मुझे इससे कोई ज़्यादा बड़ी शिकायतें नहीं हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय।